अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत रहें। आप अगले पल के बारे में सोचने में जो भी क्षण बिताते हैं, उसी क्षण आप अपने वर्तमान से दूर हो जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका सारा जीवन बस सोच में ही ना बीते। वैश्विक रूप से तकनीकी क्षेत्र में निरंतर हो रहे विस्तार से हमारा आज का समाज अपने आसपास के माहौल से जुड़ने के बजाय अपने व्यक्तिगत गैजेट में ज्यादा डूबा रहता है। आज हालत यह है कि हम जितनी बात लोगों से आमने सामने होकर या आपस में नहीं करते, उससे कहीं अधिक फोन पर करते हैं। हम फोन या इसी श्रेणी के किसी अन्य गैजेट की स्क्रीन पर अधिक आंखें गड़ाए रहने और डिजिटल संवादों में व्यस्त हो गए हैं कि अपने आसपास के माहौल के बारे में भूल चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग अब अपनी आंखों से इस प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने के बजाय कैमरों के माध्यम से निहारना ज्यादा पसंद करते हैं। आप किसी भी कंसर्ट के नजारे के बारे में सोचें, आपकी आंखों के सामने लोगों के फोन की टिमटिमाती स्क्रीन का दृश्य अपने आप ही सामने आ जाएगा। मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने यादगार लम्हों को कैमरे में कैद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक स्क्रीन के माध्यम से दुनिया को देखना हमें उस क्षण को पूरी जिंदादिली के साथ जीने से रोकता है। जब तक हम अपने आप को वर्तमान में बीत रहे सुनहरे क्षणों से दूर करना जारी रखेंगे, हम परेशान व डरे हुए और तनाव में रहेंगे। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में चिंताएं हमेशा घेरे रहेंगी, क्योंकि हम उस क्षण में रहने की बजाय किसी और दुनिया में जीने के आदी हो चुके हैं। और क्या होगा? और यह होगा कि हम अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज करेंगे और इसकी कीमत हमारे व्यक्तिगत रिश्तों को चुकानी होगी। यही कारण है कि अक्सर हम तनावग्रस्त, दुनिया से कटे हुए तथा किसी और दुनिया में गुम हुए रहते हैं। हमारी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर कम रहता है, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम किसी काल्पनिक परिस्थिति में हैं, जो हमारी उस वास्तविकता से मेल नहीं खाती जिसमें हम जी रहे होते हैं। हम पूर्व में जी चुके क्षणों को फिर से जीते हैं, भविष्य का डर पालते हैं और अपने मन में बाधाओं को बना लेते हैं। हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा को विध्वंसकारी विचारों की ओर लगाते हैं और इस तरह अपने जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करते हैं। आपके पास जो समय है वह बस वर्तमान ही है। एक बार जब अतीत बीत जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर चाहे आप मानसिक स्तर पर उसकी जितनी मर्जी हो उतनी बार कल्पना करें, भविष्य तो अभी आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानसिक तौर पर खुद को बार बार वहां ले जाते हैं। आने वाला कल छदम रूप लेकर आज की शक्ल में हमारे सामने आता है और हम में से कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता। वर्तमान में जो क्षण आपके पास है उससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलता है। आप उसका काल्पनिक चित्र अपने मन में बना सकते हैं, जिसका आप मानसिक तौर पर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप भौतिक तौर पर उसे दोबारा से अनुभव नहीं कर सकते। उस समय के बारे में सोचें जब आप घड़ी में समय देखना या अपने फोन पर नजर डालना पूरी तरह से भूल गए। शायद उस समय आप उन लोगों के साथ हों जिन्हें आप प्यार करते हों, या कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें आपको बहुत आनंद आ रहा हो। तकनीक एक यंत्र है, यह आपके जीवन का विकल्प नहीं हो सकता। इस तरह जिस क्षण में आप हैं उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि आपके पास बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में चिंता करने का समय ही नहीं होता। आप जहां हैं उस क्षण का पूरा आनंद ले रहे होते हैं। इसी को वर्तमान में रहकर जीवन बिताना कहते हैं। हम इस पुस्तक में आगे चलकर यह जानेंगे कि भविष्य के लिए योजना बनाना अपने लक्ष्य को पाने के मार्ग में एक बहुत आवश्यक कदम है, लेकिन हमें अपना बहुत अधिक समय उसमें नहीं व्यतीत करना चाहिए। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, आपका वर्तमान भी उस क्षण भविष्य का वेश धारण कर विद्यमान होता है। 10 साल पहले हो सकता है कि आपने अपने जीवन में आज का समय आने की कल्पना की हो। आपका भविष्य आपका वर्तमान है। मैं जब उम्र के 20वें दशक के शुरुआती दौर में था, अगर मुझे पता होता था कि मैं सैटरडे नाइट पर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि मेरे सप्ताह के बाकी दिन जल्दी जल्दी बीत जाए। मैं ये चाहता था कि मेरा वह सुनहरा समय जल्दी बीत जाए और वह समय जो मुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला था। एक बार शनिवार आता और चला भी जाता। मैं किसी और दिन पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता, जिसके लिए मैं अपने लिए कुछ और उत्साहवर्धक योजना बना रहा होता था, और कभी कभी तो वह दिन कई सप्ताह बाद होता। जीवन का एक सिद्धांत यह भी है, एक बार हम जब पैदा हो जाते हैं, हर 24 घंटे के बाद हम अपनी मौत के एक दिन और करीब हो जाते हैं। जिस भविष्य के आने का इंतजार हम लगातार करते रहते हैं, वह हमारे सामने बस वर्तमान की शक्ल में आता है।
एक बार जब वह आता है तो उतनी ही तेजी से बीत भी जाता है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते। हम जल्दी से अपना ध्यान आने वाले अगले पल पर लगा देते हैं, उसके आने के बाद अगले पल, फिर उसके अगले पल पर, और यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। हम में से अधिकतर लोग अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करते हैं। हम सुबह उठते हैं सारे दिन का अनुभव लेने के लिए और फिर रात को सो जाते हैं अगले दिन के लिए। हम एक साल के 365 दिन ऐसा करते हैं। हम सफलता, प्यार, खुशी के दिखावे के लिए इंतजार करते हैं। हमें सच में इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि वर्तमान में हमारे पास कौन सा क्षण है। अंततः हमें इस बात का एहसास होता है कि वास्तव में हमने अपना जीवन जिया ही नहीं। यह आखिरकार हम वहां पहुंचे थे जहां हम पहुंचना चाहते थे, लेकिन हम वास्तव में उसका आनंद नहीं ले सके क्योंकि हमारे पास एक और लक्ष्य प्राप्त करने को था। हम सारा जीवन उस भविष्य के लिए समर्पित कर देते हैं जो बस हमारी कल्पना में है, और जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उससे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। ठीक यही बात हम बीते कल के बारे में भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हमारे बीते कल में कुछ ऐसी यादें हों जिन्हें बार बार याद कर हम आनंदित होते हैं, पर हमें यह भी स्वीकार करना सीखना होगा कि एक बार जो समय बीत जाता है उसे फिर बदला नहीं जा सकता। हम उसे केवल अपने ख्यालों में दोबारा जी सकते हैं या उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अगले अध्याय में मैं ध्यान करने के जिस अभ्यास के बारे में बात करने वाला हूँ वह वर्तमान के साथ संपर्क बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। वर्तमान क्षण के बारे में अपने अंदर जागरूकता लाकर हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा से स्तर को उठा सकते हैं, क्योंकि इस तरह हम अतीत में मिले दर्द या आने वाले भविष्य के डर से खुद को लकवाग्रस्त होने से बचा सकते हैं।